जी, अभी दिशा बैठक से आप आ रही हैं, तो क्या देखा आपने जो है वो आपकी पुरानी बैठक हुई थी और इधर बीच जो आपने निरीक्षण किया, तो क्या पाया जो है? नहीं, काम चल रहा है, हर क्षेत्र में काम चल रहा है जी, और अच्छी तरह से चल रहा है जी। अब उसी का ही हम लोग हिसाब ले रहे थे कि क्या काम चल रहा है जी, और चल रहा है। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए, जैसे पशु बाजारों के बंद होने की बात है, और जो बिना लाइसेंस की आरा मशीनें चल रही हैं उनको बंद होने की बात है, और जो जिन जो बिना लाइसेंस के वो भट्टे भी हैं जी, उनको भी या तो लाइसेंस करें या तो बंद करें जी। किस तरह के निर्देश दिए गए हैं? यही है जो आपने कहा है कि हाटों पर हाट नहीं चलेंगे यहाँ, क्योंकि यहाँ बहुत बुरी तरह से तस्करी चल रही है जी। तो तस्करी बंद करने के लिए हाट भी बंद हो जाएंगे जी। दूसरा ये है कि जो ईंट के भट्टे हैं सब लाइसेंस हो जाएं, पोल्यूशन कंट्रोल लगाएं, खुशी खुशी से ईंट बनाएं, लेकिन इस तरीके से नहीं कि जैसे जहां मर्जी चला दिया, जहां मर्जी कुछ कर दिया, किसानों को बहुत नुकसान होता जी। और आरा मशीन तो बिल्कुल ही बंद जी। जैसे सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसी मुताबिक उनको चले या ना चले, सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक चले। सांसद जी, मनरेगा योजना में कुछ परेशानियां सामने आई क्या है, कैसे? नहीं, मनरेगा का मैंने ये मांगा है कि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि मनरेगा में काम जो चल रहा है सो चल रहा है, 30 लाख के करीबन लोगों को ये काम मिला है 100-100 दिन का, लेकिन उसके एसेट्स क्या बने हैं? तो वही हमने मांग की है कि आप हमें बता दीजिए कि एक लिस्ट कि क्या एसेट बना है गांव में, तो वो मुझे लिस्ट दे रहा है। गांव में वनों की स्थापना की बात अभी आपने, हाँ ये भी है कि हर गांव में एक छोटा सा वन, चाहे 1 बीघा का हो, वो एक वन बने। इसमें फ़ायदा गांव का होता है, और मैंने फैसला किया है कि जो मैं अपने MPLADS के फ़ंड हैं उन्हीं को दूंगी जिन्होंने अपने तालाबों को साफ किया हो और जिन्होंने एक वन बनाया हो, तो उनको वो हमसे जो भी मांगना चाहें मांगे और हम खुशी से दे देंगे। अभी सुबह आपने विज्ञान प्रदर्शनी देखी प्रसिद्ध स्कूलों के बच्चे की, क्या रहा उसमें, क्या देखा आपने? जो गांव के बच्चे हैं बहुत अच्छे अच्छे मॉडल्स बनाए, बहुत ही अच्छा था प्रदर्शनी, बहुत अच्छी थी। और जो वहाँ मुझे कहना था कह दिया कि ऐसी चीज़ें चुने, अगली प्रदर्शनी मैंने कहा है कि अप्रैल में होगी, लेकिन वो अलग किस्म की प्रदर्शनी होगी जिसमें से हर स्कूल से ये बच्चे तय करें कि उनके गांव में क्या मुसीबत है जी, और क्या मुसीबत को कैसे ठीक कर सकते हैं विज्ञान की मदद से। और वो मैंने कई चीज़ें बोली हैं कि क्या क्या देखें, कि तालाब को कैसे सफाई कर सकते हैं बिना सबको तंग करें, प्लास्टिक कैसे हटाया जा सकता है जी, जो वहाँ छोटी छोटी उनको कैसे नाम हम लोग दें और लोगों को बताएं, जल्दी जल्दी वन कैसे लगा सकते हैं, इस किस्म की चीज़ें। अगर शौर्य ऊर्जा है, आखिर सरकार ने करोड़ों रुपए की शौर्य ऊर्जा दिए थे, उनमें से किसी की बैटरी चोरी है तो किसी में लाइट तबाह हुई है, शौर्य ऊर्जा की रक्षा कैसे की जा सकती है जी। इस किस्म की चीज़ें को ध्यान में रख करके अगली प्रदर्शनी मुझे दिखाएं जी। सांसद जी, सपा कह रही है कि आयकर छापे के नाम पर लोगों को परेशान किया जाए, खासकर सपा से जुड़े लोगों को परेशान किया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? नो कमेंट जी।